इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक चार दीवारी मकान बनाने के लिए चंद पैसे नहीं हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मकान के बजाय ऐसी इमारतें बना डाली जिन्हें दूर दूर से देखने के लिए लोग आते रहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी पांच अजीबोगरीब इमारतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, बास्केट हाउस ओहियो। जब आप ओहियो के बास्केट हाउस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अपना लग्जरी बैग यहाँ भूल गया है। इसे एक टोकरी जैसा बनाया गया है। इसे एक लॉन्ग बर्जर बास्केट कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए 1997 में बनवाया था। नंबर टू, नयोगा सिटी साइंस म्यूजियम। दोस्तों, आप तो नाम से जान ही गए होंगे कि यह एक साइंस म्यूजियम है और यह जापान के नयोगा सिटी में है। इसे एक क्रिकेट बॉल की तरह बनाया गया है। इसका इंटरनल डायमीटर 35 मीटर है। इसकी बनावट की वजह से यह अजीबोगरीब इमारतों में शामिल है। नंबर थ्री, नाइटेरियो कंटेम्पररी आर्ट म्यूजियम। ब्राज़ील में मौजूद नाइटेरियो कंटेम्पररी आर्ट म्यूजियम 1996 में बनाया गया था। यह इसे एक चाय के प्याले की तरह बनाया गया है। नंबर फोर, क्यूब हाउस। रोटरडैम के क्यूब हाउस को पहली बार देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यह मकान असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस क्यूब हाउस को एक पेड़ की तरह डिज़ाइन किया गया है। कैपिटल गेट। सऊदी अरब में मौजूद इंसानों के जरिए बनाया गया कैपिटल गेट को दुनिया का सबसे पतली इमारत माना जाता है। यह इमारत यह जमीन से नीचे लगभग 200 मीटर और जमीन के ऊपर 160 मीटर ऊंचा है। ये थी दुनिया की पांच अजीबोगरीब बिल्डिंग्स। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से आपको कौन सी इमारत पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।